हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं सावन स्पेशल खीर। ये चावल की खीर क्रीमी और टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लगभग 2 लीटर दूध को मैंने अच्छी तरह से गर्म किया हुआ है। आप फुल क्रीम मिल्क लें तो ज़्यादा अच्छी खीर बनेगी। साइड में हमने 2 मुट्ठी चावल को अच्छे से धोकर 10 मिनट के लिए रख दिया है। साथ में है 1/2 कटोरी चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, इलायची और केसर। 10-15 मिनट तक दूध को बॉईल करने के बाद इसमें चावल को अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करके डालेंगे ताकि कुछ चावल टूट जाए, जिससे खीर अच्छी थिक बनेगी। अब इसे एक बार फिर मिक्स कर देंगे और लो गैस पर पकने देंगे। खीर को हम जितना लो फ्लेम पर पकाएंगे वो उतनी ही क्रीमी और टेस्टी बनेगी। लगभग 10-15 मिनट के बाद चावल थोड़ा कुक हो जाता है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी चीनी डालेंगे, थोड़ी केसर, 2 इलायची कुटी हुई और कुछ ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के डाल देंगे। फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो गैस पर पकने देंगे। चीनी डालने से एक बार खीर थोड़ी पतली होती है, लेकिन लो गैस पर 15-20 मिनट तक जब हम इसे पकाएंगे तो थिक हो जाएगी। अब देखिए लगभग 1/4 ही रिड्यूस हो गई है और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस कंसिस्टेंसी के आने के बाद हम इसे बंद कर देंगे गैस को, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। आप किसी बर्तन में निकाल लें और ड्राई फ्रूट से फिर से गार्निश करें। देखिए क्रीमी और थिक खीर तैयार है। अगर आप इसे फ्रिज में रख कर खाएँ तो ये और भी टेस्टी लगेगी।